हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, कोई भी प्रेग्नेंट माँ बीमार नहीं होना चाहेगी। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि अगर माँ को होते हैं तो उससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि छोटा मोटा छींक आना, सर्दी जुकाम होना ऐसे। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिससे कि बच्चा भी सीरियसली प्रभावित होता है, नेगेटिवली भी प्रभावित होता है। जैसे कि अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन है, तो बच्चे को भी कई इन्फेक्शन प्रभावित करते हैं जो कि आपको है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपना प्रेगनेंसी में ख्याल रखें और स्पेशली ध्यान दें अपनी इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस विषय पर आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप समझती हैं, जानती हैं और फॉलो करती हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होंगे। आप भी अपनी प्रेगनेंसी के फेज को एंजॉय कर पाएंगी क्योंकि बीमार नहीं होंगी तो आप खुश रहेंगी। दूसरा, आपके बच्चे को भी आपके इन्फेक्शन के साइड इफेक्ट नहीं होंगे और बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा। क्योंकि कई बार जन्म के समय अगर माँ को इन्फेक्शन रहता है और बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे में भी वो इन्फेक्शन आता है और उससे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। तो आपको इन्फेक्शन से तो प्रेगनेंसी में बचना ही चाहिए। फ्रेंड्स, यूट्यूब मॉम चैनल आपके लिए, आपको प्रेगनेंसी केयर की बेहतर जानकारी देने के लिए है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। अब हम जानेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स क्या हैं, किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, शायद आप उसका असर ना जानते हो, लेकिन आज आप जान लेंगे। सबसे पहली चीज, प्रेगनेंसी में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कई वैक्सीन्स बताई गई हैं जो कि लेनी चाहिए। वैक्सीन्स में मेरा भी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर आपने प्रेगनेंसी में अभी तक अपनी वैक्सीन नहीं ली है, सारे डोजेस नहीं लिए हैं, तो अपनी वैक्सीन्स जरूर ले लीजिए ताकि कई बीमारियों से आपकी रक्षा हो सके, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। दूसरी चीज है नींद। फ्रेंड्स, नींद का आपकी इम्यूनिटी से बहुत गहरा संबंध है। अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी है तो आपके हॉर्मोन्स अच्छे होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा और आपकी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहेगी। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद, चाहे आप एक बार भी लीजिए चाहे 2 बार भी लीजिए, बहुत जरूरी है। तीसरी बात, पानी पीना। हमारी इम्यूनिटी को बनाने में एक लिम्फ सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, जैसे कि शरीर में खून दौड़ता है नसों में, उसी तरीके से खून के पैरेलल ही एक सिस्टम होता है जिसको लिम्फ सिस्टम कहते हैं और वो पूरा पानी पे आधारित होता है और वो आपकी बॉडी से जितने भी इन्फेक्शन है उनको कैरी कर लेता है और शरीर से निकालने में मदद करता है। लेकिन अगर आप पानी कम पिएंगे तो लिम्फ सिस्टम जो है अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा आपकी बॉडी में और इन्फेक्शन को बॉडी से निकालने में वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको 7 से 8 ग्लास पानी रोज पीना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि फ्लूड मेंटेन करने के लिए हम केवल पानी पिए, पानी तो जरूरी है ही है, लेकिन आपकी डाइट भी इम्पॉर्टेंट है। डाइट में आप फ्लूड चीजें लें, अगर आपको डिहाइड्रेशन ज्यादा है, वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, आपको लगता है कि भाई पानी कम जा रहा है बॉडी में, तो आप अपनी डाइट में भी चीजों को लिक्विड तरीके से, थोड़ा सूपी तरीके से बनाएं और उस तरीके से लें ताकि हर फूड में आपको कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट एक्स्ट्रा मिले। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट ही हमारे शरीर का ईंधन है जो उसे चलाता है और उसे मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका बहुत रोल होता है, मिनरल्स और विटामिन्स का बहुत रोल होता है। तो डाइट में क्या है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी अच्छी इम्यूनिटी के लिए विटामिन्स सी, विटामिन ई, विटामिन B6, जिंक, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप फलों का सेवन करें, लेकिन एलमंड्स 4 बादाम आप रोज खाएं, उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कई मिनरल्स भी मिलेंगे और विटामिन ई भी मिलेगा। बादाम को कैसे खाना है इस पे मेरा अलग वीडियो है, उसे आप समझें, देखें और उस तरीके से खाएं ताकि आपको लाभ मिले, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एग्स खाते हैं तो डेली 1 बॉइल्ड एग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके बच्चे को भी मजबूत बनाते हैं। सबसे अच्छी चीज आपके खाने में वो है गार्लिक, जिसको अक्सर आप अपनी सब्जी में, दाल में इस्तेमाल करते होंगे पेस्ट बनाकर या फिर तड़का लगाकर। 2 से 3 क्लॉव्स गार्लिक प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही अच्छा होता है अपनी डेली के डाइट में शामिल करना। सूप बना रहे हैं, दाल सब्जी बना रहे हैं, उसमें गार्लिक को जरूर ऐड करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, सबसे इजी जो हम रोज घर में बनाते हैं वह कर्ड और बटर मिल्क। कर्ड एंड बटर मिल्क जो प्रोबायोटिक है, इनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो इंटेस्टाइन में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं हमारी इम्यूनिटी को
लो कर देते हैं, उनसे फाइट करने में, उनको दूर करने में और गट हेल्थ मेंटेन रखने में, हेल्दी रखने में, आपकी इंटेस्टाइन को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली कुछ ना कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट आपको लेना ही चाहिए। आप लंच टाइम में कर्ड ले सकती हैं, डे टाइम में कभी भी आप एक या दो बार बटर मिल्क ले सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है फ्रेंड्स? हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली कुछ सेल्स होती हैं, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में वो एक्टिव रहती हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अप रखती हैं, हम कम बीमार पड़ते हैं। जो महिला एक्टिव रहती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उनको इन्फेक्शन कम होते हैं, सर्दी जुकाम फ्लू के इन्फेक्शन उनको बहुत ही कम रहते हैं। अब एक जरूरी सलाह, हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो कभी भी आपको लगता है कि आपके घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, आप प्रेग्नेंट हैं अगर, तो आपको उनसे थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। बाहर जब भी आप एक्सपोज होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, तो हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ धोकर, कहीं कुछ भी फूड खाते हैं तो उसका ध्यान रखें। ये चीजें आपको इन्फेक्शन होने से बचाएंगी। आज मैंने वो सारी बातें बताई जो कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत करती हैं, लेकिन आपको इन्फेक्शन को इन्विटेशन नहीं देना है अपनी आदतों से, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।